फ्रेंड्स, आपका दोस्त एक बार फिर से आ चुका है एक नए वीडियो लेकर, जिसमें आपको मिलेगी चार बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज। और सारी मूवीज यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अच्छी मूवी मिस ना हो जाए। खैर, चलिए आज का काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, नंबर 4 पर है 2020 में रिलीज की गई बेहतरीन एडवेंचर फैंटेसी मूवी द यिंग यांग मास्टर। मूवी का IMDb ने दे रखी है 6.5 out of 10। तो गाइस, यहां मूवी की शुरुआत होती है किंग मिंग से। तो किंग मिंग के मास्टर की लास्ट विश थी वो कैपिटल ताइवान सिटी जाएं और हेवन सेरेमनी में भाग लें। गाइस, एक्चुअल में मूवी को अच्छे से समझने के लिए आपको इसे देखनी पड़ेगी। नंबर 3 पर है 6.6 IMDb रेटिंग के साथ द बैल्कन लाइन। मूवी की रिलीज की गई थी 2019 में और बेस्ड है वार एक्शन पर। गाइस, मूवी की शुरुआत होती है एक रशियन टास्क फोर्स से, जिन्हें स्टालिना एयरफोर्स में डिस्पैच किया जाता है उसे रिकैप्चर और टेररिस्ट से डिफेंड करने के लिए। गाइस, मूवी काफी ज्यादा धूमधड़ाके वाली है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे जरूर देख लें। नंबर 2 पर है 2014 में रिलीज की गई वार ड्रामा मूवी द इमिटेशन गेम। गाइस, मैं आपको बता दूं, मूवी का IMDb ने दे रखी है 8 पॉइंट की रेटिंग आउट ऑफ 10। जहां तक स्टोरी की बात है, तो ये शुरू होती है ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग से। तो एलन एक क्रिप्टोग्राफी टीम ज्वाइन करते हैं एक जर्मन एनिग्मा कोड को क्रैक करने के लिए। तो एलन एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो कोड को ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकती है। तो गाइस, आगे की सीन कैसी होती है आप मूवी में देखिएगा। नंबर 1 पर है 2017 में रिलीज की गई एक चाइनीज एक्शन साइंस फिक्शन मूवी रीसेट। IMDb ने मूवी को दे रखी है 5.3 की रेटिंग आउट ऑफ 10। तो गाइस, मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए, जिनके बेटे को किडनैप कर मार दिया जाता है। तो फिर वो साइंटिस्ट अपने बेटे को वापस लाने के लिए एक टाइम मशीन बनाती है। तो गाइस, इसकी एंडिंग कैसी होती है ये आप मूवी में देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए चार बेहतरीन मूवीज जो आपको यूट्यूब पर हिंदी में मिल जाएगी। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो मिलते हैं एक नए काउंटडाउन के साथ। स्टे हेल्दी, हैव फन।